बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रशांत भूषण ने इस खबर का खंडन किया है, कहा है कि इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। राजदीप सरदेसाई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अब राजदीप, इस चीज नहीं समझ में आ रही है, पहले कंडीशंस तक आ जाती हैं, प्रशांत भूषण ने क्या क्या कंडीशंस रखी हैं, उसके बाद संजय सिंह आशुतोष का बयान आता है कि मर्यादा में चीजों को करना चाहिए, और अब खबर आ रही है कि प्रशांत भूषण ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की है। मैंने जब प्रशांत भूषण से बात की तो प्रशांत भूषण ने मुझसे कहा कि मैंने कहीं मेरे इस नोट में ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफे की पेशकश कर रहा हूँ, मैंने केवल कुछ मुद्दे उठाए हैं, जैसे स्वराज का मुद्दा, जैसे अंदरूनी लोकतंत्र का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए हैं, इन मुद्दों पर मैं चाहता हूँ कि पार्टी में बहस हो। अब क्या हम देखें कि इन मुद्दों को जिस तरह से प्रशांत भूषण उठा रहे हैं, क्या वो एक तरह से पार्टी के लीडरशिप को एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इन मुद्दों पर बहस नहीं हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने नोट में नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरह से उनका एक तरह से रुख लगता है, वो अपनी बात पर अड़े रहे हैं और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि एक कॉन्फ्रंटेशन हो, इन मुद्दों पर पूरी तरह से पार्टी में बहस हो। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, खासकर ये देखते हुए कि ये खबर को आए हुए तकरीबन एक डेढ़ घंटा हो चुका है, अब उसके बाद जब और सभी लोगों के बयान आ गए तब इसका खंडन किया जा रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि एक, जैसे मैंने कहा, कॉन्फ्रंटेशन अगर होना है तो उसे धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पर ले जाओ जहां ये बात या तो इस पार या उस पार की लड़ाई होगी। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की बयानबाजी हुई है, जिस तरह के नोट्स एक दूसरे के बारे में लिखे जा रहे हैं, उससे मामला सुलझ रहा है, मामला तो और उलझ रहा है। ये सवाल अब है कि क्या प्रशांत भूषण वाकई अरविंद केजरीवाल के साथ कोई समझौता चाहते हैं या एक कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं।